हम्पी में रंगोली बनाने का बड़ा रिवाज है। हर घर के सामने आपको सुबह और शाम रंगोली मिलेंगी, छोटी छोटी रंगोली से लेके और बहुत बड़ी बड़ी तक, जो पूरे गली में फैली होती है। और ये लोग बहुत तेजी से रंगोली बनाते हैं, हम इमेजिन तक नहीं कर सकते। और ये डबल लाइनिंग, ये देखिए गौर से, एक ही राउंड में डबल लाइन आ रही है और बहुत सारे लोग कई बार ट्रिपल लाइन भी निकालते हैं। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है, और मेन हम्पी तो इसी तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ भी कुछ स्थान देखने लायक हैं, कुछ खंडर देखने लायक हैं, कुछ मंदिर वगैरह भी देखने लायक हैं। लेकिन हम्पी में पुल नहीं है नदी पे, और ये पुल जो है हम्पी से 10-15 किलोमीटर आगे है। तो फिलहाल हम नदी पार करके, तुंगभद्रा नदी पार करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, और वहां पे हम कुछ खंडरों को, कुछ स्थानों को देखेंगे। यह है अंजना पर्वत। कहते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, और यहीं पे पास में पंपा सरोवर भी है, और किष्किंधा भी यही क्षेत्र है, बाली और सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा। आपने अगर कभी रामायण थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो आपको पता होगा। तो फिलहाल ये छोटा सा ट्रैक है, 1-1.5 किलोमीटर का, अंजनेय पर्वत जाने का। यहां से चारों तरफ ये इस तरह की जमीन दिखाई देती है, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर। बड़े बड़े पत्थर जो हम्पी की पहचान है। हम्पी में इन नामों का बड़ा रिवाज है, इन्हें कोरेकोल बोलते हैं। चलिए आपको आपको भी इनकी सैर कराते हैं। ये नावें जो हैं बांस की बनी होती हैं, और एकदम बांस के टोकरे की तरह, बहुत बड़े टोकरे की तरह होती है, और इसमें 8-10 लोग बैठ सकते हैं। ये बांस का टोकरा बनाकर उसमें बाहर की तरफ एक पॉलीथीन लगाकर या फिर प्लास्टिक के कट्टे लगाकर, और फिर तारकोल से उनकी लिपाई कर देते हैं, और फिर ये वाटरप्रूफ बन जाती है, इनमें पानी नहीं भरता है। फिर तो आधे घंटे का चार्ज है 700 रुपये। तुंगभद्रा नदी, और तुंगभद्रा नदी में कोरेकोल की सवारी।
में आके अगर आपने ये काम नहीं किया, क्या बोलते हैं भाई इस नाव को, कोरे कोल बोल, कोरे कोल, अगर आपने इसमें गोल मटोल वाली नाव में कोरे कोल में सवारी नहीं करी तो भाई आपकी यात्रा अधूरी है। तो आपकी यात्रा अधूरी ना हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसलिए जरूरी है कि इस नाव में कोरे कोल में ये जो है इसमें यात्रा करी जाए। तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत आनंददायक, बहुत मज़े आते हैं इसमें। ये देखो गोल गोल घुमाया जा रहा है, ये लोग कभी हमें पत्थर के नीचे घुसा देते हैं, कभी गोल गोल घुमाए जाते नीरज चक्कर ना जाओ, अरे चक्कर होंगे, गिरेंगे कहाँ, पानी और उसमें पानी, कमेंट्री तो तुझे दोबारा करनी कमेंट्री पड़ेगी। गई कमेंट्री, गोल गोल हो गई। वीडियो बन रही नहीं, बन रही मस्त, पता चले उसने गोल गोल घूम के वीडियो भी कही। नीरज जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस नैया में बैठ के? तो फिलहाल हम यहाँ पे हम्पी के पास उस जगह पे आए हैं जहाँ से हमने आपको कल वादा किया था कि सनसेट दिखाएंगे, और एग्जैक्ट मंदिर के पीछे। तो सनसेट होने जा रहा है और हम उस जगह पे पहुँच गए हैं, और जैसे ही अभी सनसेट होगा, फाइनल सनसेट होगा बिल्कुल, तो उस टाइम पे हमें अपनी जगह भी थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी, इधर से उधर जाना पड़ेगा, जिससे कि सनसेट जो है मंदिर के बिल्कुल पीछे हो, एग्जैक्ट पीछे। तो अभी फिलहाल 5:30 पौने 6 बजे हैं, 10-15-20 मिनट बाद सनसेट हो जाएगा, लेकिन रोशनी में, सूरज की लाइटिंग में वो मज़ा आने लगा है, जिससे फ़ोटो अच्छे आते हैं। ये सनसेट होने वाला है और सामने दिख रहा है मंदिर। तो फिलहाल हम ऐसी जगह पे खड़े हैं कि सनसेट मंदिर के एग्जैक्ट पीछे होगा, बिल्कुल पीछे, और इस तरह से। अभी भी मंदिर की चोटी से सूरज का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो सूरज अब बहुत ज़्यादा राइट साइड में नहीं जाएगा, तो हमें ही थोड़ा सा राइट साइड में जाके मंदिर और सूरज को एक सीध में लेके आना है, जिससे कि सूरज ठीक मंदिर के ऊपर से, मंदिर के पीछे से अस्त हो। फिलहाल हमें अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ रही है सूरज के प्लेसमेंट के हिसाब से। अभी जहाँ पे हम थे वहाँ से हमें थोड़ा सा राइट में जाना पड़ेगा, जिससे कि मंदिर और सूरज और हम तीनों एक सीध में आ जाएं। तो हम तकरीबन तकरीबन उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ सूरज मंदिर के ऊपर है, हालांकि अभी भी एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, हमें थोड़ा सा और राइट साइड में डिस्प्लेस होना पड़ेगा। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे सामने बिजली के तार ना आए या फिर कोई पेड़ वगैरह ना आए।